नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच रिजल्ट पर चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। रिजल्ट के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह चर्चा का विषय है। रिजल्ट तो आना ही है, लेकिन रिजल्ट के बाद क्या करना है वो ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि रिजल्ट जब आप लोगों की आती है रिटन एग्जाम की, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, उसके बाद आप लोगों का ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि डीईटी। तो रिजल्ट आते ही आप लोगों को फिजिकल को प्राथमिकता देना पड़ेगा। आप लोग जो फिजिकल की तैयारी करते हैं उसको प्राथमिकता देना जरूरी होगा, क्योंकि फिजिकल में पास आउट होने के बाद ही आप ड्राइविंग एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि डीईटी में शामिल हो पाएंगे। तो आप लोगों को फिजिकल को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को फिजिकल पे प्रॉपर ढंग से ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग जैसा कि जानते हैं, अभी बिहार दरोगा का जब फिजिकल हो रहा था तो उस फिजिकल में टाइगर जंप को बैन कर दिया गया था, और अधिकांश बच्चे टाइगर जंप करते हैं और वो अपने जंप को क्लियर मानते हैं। अगर दरोगा में बैन हुआ है तो संभव है कि ड्राइवर में भी बैन हो, इसलिए आप लोग टाइगर जंप को छोड़ के सीजर बेली सबसे बेटर होगा। सीजर में अगर आप लोग निपुण हो जाते हैं तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोग फिजिकल में निपुण हो लें, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट के बारे में सोचें। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो फिजिकल में क्वालिफाई होना आप लोग के लिए कंपलसरी है, उसके बाद ही आप लोग ड्राइविंग टेस्ट में जाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, सॉरी फिजिकल पे, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं ड्राइविंग प्रभावित होगा, आप लोग ड्राइविंग में कमजोर रह सकते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप में आप लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप रिजल्ट देने के लिए फेमस है, और हमारा मेन उद्देश्य स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन दिलवाना होता है। इसी दृष्टिकोण से हमने हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में, ट्रेनिंग कैंपस में फिजिकल का भी सेटअप अवेलेबल करवा दिया है। फिजिकल के लिए आप लोगों को जंप करने के लिए गद्दा कंपलसरी है, गोला कंपलसरी है, रनिंग करने के लिए आपको ट्रैक जरूरी है। तो हमारे ट्रेनिंग कैंप में ये सारी विधि व्यवस्थाएं डाल दी गई है, अपडेट कर दिया गया हमारे कैंप को। यानी कुल मिला के अगर आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ड्राइविंग बैच में एडमिशन लेते हैं तो फिजिकल की भी तैयारी प्रॉपर ढंग से करा दी जाएगी। जिस तरह से आप किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर फिजिकल की ट्रेनिंग करते हैं, उसी ढंग से आपको यहाँ पर हमारे स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप में फिजिकल की ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। तो सबसे बेटर आप ये कर सकते हैं कि ड्राइविंग और फिजिकल की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, इससे आपका फिजिकल भी निकल जाएगा, ड्राइविंग भी प्रभावित नहीं होगा। अब इससे आगे बढ़े, अगर और आगे बढ़े और बात करें तो फिजिकल के जस्ट बाद आप लोग का जब ड्राइविंग टेस्ट होता है तो ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी के लिए लोग व्याकुल है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट की सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट के शोर में गुम है। इस बीच आप लोगों को क्या गलती नहीं करना है, उस बात पर मैं चर्चा करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, बिहार में बहुत सारे केसेस कोरोना के अभी हाल फिलहाल में आ रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को खुद को सुरक्षित रखना सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको कम से कम वैसे जिले, बिहार में वैसे जिले जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस हैं, उस जिलों में आप लोग को ना ही फिजिकल के लिए जाना है और ना ही ड्राइविंग के लिए जाना है। अगर आप उन जिलों में फिजिकल या ड्राइविंग के लिए जाते हैं तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहली समस्या तो यह होगी आपके लिए कि वहां पर आपको अपने जान का खतरा होगा। जिन जिलों में जैसे पटना हो गया या फिर और भी बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बहुत सारे केसेस हैं कोरोना के, वहां पर अगर आप ड्राइविंग या फिजिकल के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको जान का खतरा सबसे ज्यादा है। कोरोना से बचने के लिए आपको उन जिलों से बचना होगा। अच्छा, जान का खतरा तो है, उसके अलावा अगर मान के चले कि पटना के अंदर बहुत सारे फिजिकल या फिर अन्य ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, गैर रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ है, तो उन ट्रेनिंग कैंप्स को सरकार जब चाहे कोरोना के दृष्टिगत बंद करवा सकती है। तो वहां पे ऐसा होने से आपका पैसा डूब सकता है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर ढंग से टाइम नहीं मिल सकता है। उसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा।
कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। पटना का तो खास करके कि जितना केस अभी पटना में आ रहा है सामने, पटना को कभी भी कंटेनमेंट जोन घोषित करके और पाबंदी लगाया जा सकता है कि इतना से ज्यादा आदमी वहां पर नहीं रह सकते। तो पटना से आप लोग सतर्क रहें, और इसी दृष्टिकोण से हमारे ट्रेनिंग सेंटर पर फिजिकल का सुविधा दिया गया है कि बच्चे जनरली पटना में फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो फिजिकल की तैयारी पटना में न करके पटना के ट्रेनर को हमने समस्तीपुर में उतार दिया है और फिजिकल के एक एक सेटअप को यहाँ पर डलवा दिया है ताकि वो फिजिकल की तैयारी यहीं पर कर सके, पटना में अपने जान को जोखिम में ना डाले। या फिर ड्राइविंग भी, अगर आप कंटेनमेंट जोन में पटना वगैरह में ड्राइविंग के लिए भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जान को खतरा है। तो इन चीजों को समझें और अपने जान को बचाने पर ध्यान दें, और जान है तभी जहान है आप लोगों को पता होगा, लेकिन नौकरी भी उतनी ही जरूरी है, तो नौकरी को भी नजरअंदाज नहीं करना है, आपको ट्रेनिंग करना है प्रॉपर ढंग से। ड्राइविंग और फिजिकल दोनों साथ साथ होना चाहिए, अगर आप फिजिकल में लग जाते हैं तो ड्राइविंग आपका छूटेगा, फिर मेरिट में छटने का संभावना है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं फिजिकल नहीं किए, जंप में गड़बड़ हो सकता है आपका, रनिंग में भी समस्याएं आ सकती है, तो प्रॉपर ढंग से आपको अगर ड्राइविंग और इंटरव्यू दोनों तरह की तैयारी करनी है तो निश्चिंत हो कि आप हमारे स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको रहने के लिए टॉप क्लास हॉस्टल, जो कि आप लोगों को पता है 2 करोड़ की लागत से चलती है हॉस्टल, खाने के लिए मेस, ट्रेनिंग के लिए 7 प्रकार की गाड़ी, 2 प्रकार का स्कॉर्पियो, 2 प्रकार का सोमो, 1 बोलेरो, 1 इंडिगो और 1 जिप्सी वैन, पुलिस वाली जो गाड़ी होती है जिप्सी, ये 7 गाड़ियों पे आपको प्रॉपर ढंग से ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अलावा फिजिकल के लिए आपको टोटल सेटअप, गद्दा, गोला, रनिंग ट्रैक, पटना के एक्सपर्ट ट्रेनर की निगरानी में करवाया जाता है फिजिकल। तो रहना, खाना, ड्राइविंग, इंटरव्यू, फिजिकल, सारी सुविधाएं आपको स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप में मिल जाती है। और आप लोग अगर रिजल्ट करना चाहते हैं, खुद को सुरक्षित रखते हुए रिजल्ट करना चाहते हैं, तो निश्चिंत होकर आप हमारे स्काई वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं। और आपको पता है कि हमारा इंस्टीट्यूट रिजल्ट देने के लिए फेमस है, हमारा मेन उद्देश्य स्टूडेंट को रिजल्ट करवाना होता है, और रिजल्ट करवाने के लिए जितनी सुविधाएं देनी होती है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर फिजिकल की तैयारी करवाई जा रही है तो डाइट का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जिनका इम्यूनिटी कमजोर होता है कोरोना उनको ज्यादा घातक साबित करता होता है उनके लिए, तो इम्यूनिटी पर भी यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जाता है ताकि फिजिकल भी स्ट्रेंथ बना रहे, उसके अलावा कोरोना से भी लड़ने की क्षमता हर एक शरीर में बनी रहे। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं और विलंब हमारे ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े, और हमारी बेस्ट विशेष, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।